हरिओम। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। परात्पर परमेश्वर अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु जगन्नाथंकर पदारबिंदरे शतकोटि प्रणाम मणिमा। जय जगन्नाथ टीवी देखुवा समस्त भक्त बंधु मानक आम श्रीक्षेत्र पुरीर जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम को स्वागत करुचु। अपेक्षारत आपण मानकर रही केते प्रभुंकर सिंह द्वार दृश्य सहित पतित पावन देवंकर मंगल आरती दर्शन करू ता भगवान कृपारुता संपन्न हो सारी आपण प्राप्त हो सारी। उदय पर्वर सूर्य को दर्शन करिवार अभिलाष से उदय पर्वर सूर्य को दर्शन करने को समुद्र कूल उपस्थित थिबा समस्त प्रत्येक भक्त अभिलाषी भक्त माने चाह रही सीमाहीन अनंत आकाश आपण माने मध्य चाहिंचंति से आकाश रे सूर्य देवता सूर्य नारायण कर दर्शन करिवे। आज हूँ महाविषुव पणा संक्रांति रविवार पुणी सूर्यंकर जन्मवार जो सूर्य नारायणकर जन्म बार बोली रविवार कुआ जाए अन्य नाम होची तंकर रवि नारायण। से रवि नारायणकर दर्शन आज महाविषुव पणा संक्रांति हनुमान जयंती बोली आमे कहिचे। पवित्र दिवस टीए भारतीय धर्म संस्कृति रे मेष संक्रांति एक पवित्र दिवस जहाँ को मेष संक्रांति से मेष संक्रांति हूँ पवित्र दिवस बोली कहुचि विवेचना करा जाए। या सौरवर्षर प्रथम दिवस महावीर हनुमान जन्मदिवस मेष संक्रांति दिन सूर्य ही पृथ्वीर विषुवरेखा उपरे अवस्थान करिथांत। सूर्य पृथ्वीर विषुवरेखा उपरे अवस्थान करुथिबारु एहा महाविषुव संक्रांति रूपे वर्णना करा जाइछि प्रतिपादित करा जाइछि। तेणु आज दिवस एक पवित्र दिवस सौरवर्ष गणना रे आमर महाविषुव पणा संक्रांति ठारु नूतन वर्ष आरंभ हुए अर्थात ओडियार नववर्षर शुभेच्छा प्रत्येक जगन्नाथ भक्त मानू प्रत्येक भक्त निजर गर्वरे सहित गर्वान्वित हो गौरवान्वित मन करे कारण आज हूँ ओडिया नववर्षर नूतन वर्ष धरा जाए। ओडिशार मध्य नूतन पंजिका प्रचलन हुए स्वतंत्र भाव रे जो पंजिका आम पांजी देखी शुभाशुभ बेला पर्वपर्वाणी नानादि प्रकार जानी थाउ सूचना पाई थाउ से संपर्क रे स्वतंत्र जो पांजिका रही थाए सूर्य उदय केते बेले पंजिकार आम देखी थाउ सूर्यंकर अस्त समय पंजिकार देखी थाउ अमृत बेला महेन्द्र बेला शुभ अशुभ बेला ए नानादि प्रकार आम पांजी को अनुकरण करी पढ़ा द्वारा आम जानी थाउ। तेणु आज दिवस से पवित्र दिवस रे समस्ते समुद्र कूल भक्त माने अपेक्षा कर आज टे कोढ़िया पाग पाग जदि टे कुहुड़ी रहिला सूर्यंकर दर्शन रे किसी समय पर बाधक होता है पुनश्च आम दर्शन पाई थाउ। तबे जहाँ आज सर्वत्र श्रीक्षेत्र प्रत्येक जगह अखड़ा मानक स्वतंत्र भाव ये महाविषुव पणा संक्रांति बा हनुमान जयंती पालन करा जाए महा आडंबर पालन करा जाए कारण आराध्य देवता प्रत्येक जगह अखड़े होती हनुमान से हनुमान उपासना स्वतंत्र भाव आज हनुमान उपासना श्रीक्षेत्र मध्य पालन करा जाए एवं जो चारिद्वार हनुमान अच्छा श्रीमंदिर मध्य हनुमान अच्छा श्रीक्षेत्र मध्य हनुमान अच्छा समस्त हनुमान उपासना सहित आज दरिया महावीर जो समुद्र कूल को देखुं जो समुद्र को जगी हनुमान कारण क्षेत्र को जगी हनुमान समुद्र को जगी हनुमान श्रीमंदिर को जगी हनुमान घाट को जगी हनुमान प्रत्येक हनुमान उपासना श्रीक्षेत्र मध्य
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହନୁମାନ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଇଥାଏ। ସେ ନୀତି ସେ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଦିନଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା। ସେଇ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ପଥକୁ ସେମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସେହି ଦିବସଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଦିବସଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନୂତନ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି ଚଳନ ସହିତ କୃଷି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପାଣିପାଗ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ଶୁଭ ଦିନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିରକୃତ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ହୋମ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଏ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହନୀୟତା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବସର ମହନୀୟତା ଯେଉଁ ଦିବସର ମହାତ୍ମା ରହିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନଟି ଏକ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱତଃ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିବେ ଏଭଳି ମୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନ, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ନିକଟରେ ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ତଳେ ଯିଏ ବି ରହିଯାଏ ନିଜକୁ ସିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରିଥାଏ, କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ତା ସହିତ ନୀଳ ଆକାଶ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିଏ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଆସିଥାଏ ସରିଯା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରପାନକ ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦିବସ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଯେଉଁ ପଣାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏକତ୍ରିତର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ଅନେକ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ଆଜି ପୋଡ଼ିଜଳି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୋଡ଼ିଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁନାଶ ଦିବସ ଆଜି। ସେଇ ପ୍ରପାନକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନାଶ ଯାଇଥାନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, ଘର ଘର ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରପାନକ ବା ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ, ବିଶ୍ୱରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ରୁଦ୍ରତାପରଙ୍କର ଅନୁଭବ ଟିକେ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପାରେ, ସହିପାରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଜଳଛତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ଜଳଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ପଣାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ଏ ପଣା ବା ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଦାନ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ। ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ
जलछत्र अन्य मानकु जलदान करिबा पशु पक्षी कीट पतंग एमानक पई मध्य तांको पई गोटे पात्र रे जल रखा जाए समस्त तुषार्थ हुंती एही परिप्रेक्षी रे समस्त की जलर आवश्यकता होइथाय तेणु जलदान महत्वदान महापुण्य ए कथा मध्य समस्त जानितांती आजिर से दिवस रु समस्त अनुभव करंती पणार परंपरा रु ग्रीष्म तो प्रबल रु प्रबल ताप को अनुभूत करिबा पई जेतेबेले सक्षम हेबा पई सम्मुखन हेबा पई सम्मुखन तो ग्रीष्म प्रभाव रु केई कष्ट रु केई उधार पांती नाही कारण वृक्ष लता ठारु आरंभ करी पशु पक्षी मनीष समग्र जीवजगत जल कष्ट अनुभव करंती समस्त जल कष्ट अनुभव करूथिबे तेणु मेष संक्रांति दिन देवदेवी पाखे जो पणा भोग परंपरा रही पथ प्रांत जलछत्र देवार परंपरा विधान रही कराए मेष संक्रांति दिन तुलसी चौरारे विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठित होता है कहीं आज देखिथे प्रत्येक गृहिणी मान से वृंदावती चौरा मूल को स्वतंत्र भाव में लिपा पोछा चून मारी सिंदूर नानादि प्रकार झोटी चिता मुरुज करी नड़िया गछर बाहुंगा चांच प्रस्तुत होता गोटे चांच को रखी ताधेरे गोटे माटी पात्र रे छिद्र करी जल वृंदावती कुश द्वारा पड़ी थाए ए परंपरा अच्छी आमर आज से महाविश्व पणा संक्रांति आज दिवस रे समस्त वृंदावती उपासना करती जल ही जीवन से कथा आज समस्त अनुभव करतांती सूचना आपणकर जाउची जय जगन्नाथ टीवी रे देखंतु आज महाविश्व संक्रांति उड़िया नववर्ष उड़िया रा नववर्ष नूतन वर्ष आमे जहाँ को कहचे से उड़ियांकर नूतन वर्षर आज अयम आरंभ सूर्य नारायण को दर्शन आमे पाउचे अनुभव करुचे आकाश को चाहिले सूर्यंकर उपस्थिति रही एवं सबुदिन सूर्य उदयर आज नववर्षर सूर्य उदय जो माने दर्शन करती जो कहा जाए नूतन वर्षटी मंगल प्रदायक हेब सकल शक्तिर आधार सूर्यंकर दर्शन रे आज से मानी जो माने उड़िया नववर्ष रे सूर्य को दर्शन सूर्य नारायण को दर्शन रवि नारायण को दर्शन पुणे आज तक जन्म दिवस तिथि जन्मवार रविवार तेणु समस्ते सूर्य को नमस्कार करिबा आरोग्य कामना करिबा सी होउछते सकल शक्तिर आधार सूर्यंकर शक्ति द्वारा ही चलचंचल ये चराचर जगत जीव जगत प्रत्येक से तांकरी किरण द्वारा ही निजर कार्यदक्षता वृद्धि करिथांती तत्परता मन विचार शक्ति उत्पन्न होइथाय क्रिया शक्ति ठारु आरंभ करी प्रत्येक शक्ति उत्पन्न होइथाय आजर उड़िया नववर्ष महाविश्व पणा संक्रांति महाप्रभु तांक द्वार को सजेकी रखिछन्ति महाप्रभुंकर ये प्रमुख द्वार घरर प्रमुख द्वार मंदिर प्रमुख द्वार सिंह द्वार जो सिंह द्वार को विविध फूल माळरे सुसज्जित करी महाप्रभु भक्त मानंक पई रखिछन् भक्त माने मोर आसीबे भक्त माने मध्य आज ब्राह्म मुहूर्त रु स्नानादि कर्म सारी निजर मन भितर प्रभु को स्मरण करी चिंतन करी नाम को तुंडरे धरी आज प्रभुंकर क्षेत्र सिंह द्वारस्थ होती सिंह द्वार बाटे प्रवेश करी प्रभुंकर दर्शन करिबा पई जाउछन् से दर्शन अभिलाष रखि प्रत्येक व्यक्ति आज प्रत्येक घरे मध्य धार्मिक भावना समस्त सृष्टि होता है प्रति मनरे आज धर्म भावना बंधुत्वर भावना मित्रतार भावना आज का मनरे शत्रुता आसे ना आज हूँ जमती सकल शक्तिर आधार सूर्य नारायण को आम दर्शन करू आरोग्य कामना प्रार्थना करी थाऊ प्रत्येक रोग नाश करती सूर्य नारायण कारण रोग हारक होती सूर्य नारायण से आज दिवस श्रीक्षेत्र मानक जो जगह अखड़ा मानक रही उपासित आराध्य देवता हनुमान अच्छा से हनुमान उपासना द्वारा प्रत्येक युवक ठारू आरंभ करी
वयोज्येष्ठ मैंने आज हनुमान को से उपासना दर्शन करी जगह घर को जाती किसी समय पर व्यायाम कसरत कारण आज दिन टी करदे हनुमान को दर्शन करदे सी भी समस्त रोग रु मुक्ति प्रदान करी समस्त रोग को हरण करी समस्त रोग को नाश कर शक्ति हनुमान रही कारण से कह जाए नाश रोग हरि सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत पीड़ा से समस्त रोगर नाश कर दिखती रोगनाशक हनुमान आज से हनुमान जयंती को पालन करने प्रत्येक ओडिया आनंद उल्लास विभिन्न स्थान मान हनुमान मंदिर में जाक महा आडंबर तर जयंती पालन करेणु आज से विशेष चौरामूल पूजा वृंदावती पूजा जो कह जाए चौरामूल जितेबले कुमार पूर्णिमी आसी थाए सेठी चंद्र को पूजा करा जाए चकटा भोग करी आंजुला टेकी था से चौरामूल आज दिवस हूँ महाविषुव पणा संक्रांति चौरामूल वृंदावती पाखे स्वतंत्र उपासना प्रति घरे उड़ियार घरे वृंदावती उपासना करी था वृंदावती चौरामूल मूलरे उपरे पानी छत्र पड़ीबार परंपरा टीए रही था आज समस्ते श्रद्धार सहित आदर सहित तुलसी गच मूल को परिष्कार परिच्छन्नता करी चून प्रलेप झोटी चिता मुरुज पकई स्वतंत्र भाव नड़िया चांचटीए उपरे रखी तार व्यवस्था सी करी ए परंपरा मध्य पालन करी आनंद पुण्यता एवं आत्मीयता भाव विभु कृपा लाभ करी था आजर दिन की विशेष भाव पूजा अर्चना समस्ते गृहस्थ मान स्वस्व गृह तुलसी चौरामूल पणार उत्सव तेणु भगवान जितेबले कहुए धर्मशास्त्र मत तुलसी वृक्ष देवी वृंदावती साक्षात अवतार ये धर्मशास्त्र मानक तुलसी वृक्ष देवी वृंदावती साक्षात अवतार वृंदावती ही तुलसी वृक्ष कारण भगवान जितेबले जलंधर कहा जाए भगवान एभली असुर को विनाश कर दैत्य को विनाश करने चिंता करने को पड़ा वृंदावती सतीत्व को हरण करते ग्रहण करते ये सब पौराणिक आख्या मध्य वर्णना करा जाए तेणु धर्मशास्त्र विभिन्न तुलसी वृंदावती संपर्क में अनेक वर्णना देखा मिले धर्मशास्त्र मानक स्वयं नारायण तुलसी वृक्ष मूल ही अवस्थान करते यह आम जाने अन्य समस्त देवदेवी तुलसी पत्र बास करेणु तुलसी वृक्ष मूल प्रत्येक जलदान पूर्वक पूजा अर्चना कले सर्वदेवदेवी फल पुण्यर फल मिली थाए ये कथा जानते आम तुलसी गच मूल पा दौचे प्रत्येक दिन आज तुलसी वृक्षर उपासना करा जाए किंतु प्रतिदिन आम जमी सूर्य को नमस्कार करता सूर्य को अर्घ्य प्रदान करूँ सूर्य दर्शन करें वृंदावती तुलसी गच को पानी प्रदान जल प्रदान जलदान करसीर मटी तुलसी वृक्षर मटी कई कई मुंडे टिके लगे था स्वतंत्र भाव तुलसी वृक्षर उपासना प्रत्येक नारी माने करी थांती प्रत्येक घरे तुलसी वृक्ष टे रही थाए कारण जी जुआड़ बाहर को गले घर बाहर को गले वृंदावती दर्शन करी तुलसी वृक्षर दर्शन करी गले समस्त कार्य शुभाशुभ होता है समस्त कार्य मध्य निश्चित भाव सफल होता है तेणु विषुव संक्रांति जो महाविषुव संक्रांति तुलसी चौरारे स्वतंत्र भाव छाय प्रदान करने छामुंडियार व्यवस्था करा जाए वृक्ष उपरे एक सरु रुद्र माटी पात्र स्थापन करा जाए से माटी पात्र द्वारा जल गोटे छिद्र द्वारा रंध्र द्वारा कुशाग्र मध्य टोपा टोपा ही तुलसी वृक्ष मूल पड़ीबार व्यवस्था प्रत्येक ओडिया माने करंती आज घरे घरे
तुलसी वृक्ष मूलटी जलसिक्त हुए। संक्रांति दिन गुड़ मिश्रित बेल कदली छेनार पणा भोग यही आज प्रपानक पणा संक्रांति बोली जो कहा जाए। तेणु से ही पणा संक्रांति रे प्रबल जन भक्तंकर समागम आज प्रभु को उपासना करने आज समस्त हनुमान मंदिर को जीवे श्रीक्षेत्र को आसी जिते हनुमान रही सिद्ध महावीर ठारु आरंभ कर शिरोली महावीर ठारु आरंभ कर दरिया महावीर वर्गीय हनुमान ठारु आरंभ कर बड़े हनुमान पर्यंत ता सहित श्रीमंदिर भितर जिते हनुमान अच्छा प्रत्येक हनुमान स्वतंत्र उपासना पूजा अर्चना आज मध्य करा जीव। ये सिंहद्वार जय विजय द्वार सिंहद्वार को जे देखुं उपस्थित रही जय एवं विजय दुई दुई पार्श्वरे तृण लक्ष्मी माँ लक्ष्मी विराजिता होती आज से चाह रही प्रभुंकर से भक्त मान जो मैंने आसुंच आज दिवस समस्त को नूतन वर्ष आज नूतन ओडिया नववर्ष माँ कृपा धन जन जश गोप लक्ष्मी सुख समृद्धि शांति प्रीति मैत्री वृद्धि करवा प्रदायिनी होती माँ लक्ष्मी। तेणु माँ जो स्थान तोरण बसी तोरण को मत सुसज्जित करा जाए पुष्पर आकर्षण सज्जितर आकर्षण समस्त आकर्षित होती कौन सी पर्वपर्वाणी हेले भलमंद दिन हेले आमे घर जमती लिपा पोछा धुआ धुई कर घर प्रमुख द्वार आम्र डाल टिके टांगी दे था कहीं गोटे आनंद लगी थाए परिवेश मध्य परिवेशर संतुलित प्रभाव मन भितर पड़ी थाए प्रभुंकर सिंह द्वार सेमती टिके पर्वपर्वाणी कौन हेले प्रभु सजेई दे था तांकर सिंह द्वार को सहज आज नूतन वर्षर ओडिया नववर्ष समस्ते प्रभु निकट को धाई आसी चरणाश्रित होगापी प्रभु पाखे नववर्षर शुभेच्छा जनईवापी अनेक शुभेच्छु भगवान आसी आज जो मैंने भगवान को दर्शन करती वर्ष तमाम जहाँ दायित्व जहाँ सुविधा असुविधा भल मंद प्रभु बहन कर थरे मात्र कहा जाए भगवान को आम जदि शरणापन्न भाव शरणागत हो जा समस्त दायित्व महाप्रभु बहन करती भक्तंकर तेणु वर्षर आरंभ ए दिन को कई हाथ छड़ा करती ना वर्षर आरंभर गणना आज वर्षर प्रथम दिवस प्रथम सूर्य उदय को दर्शन आम ओडिया नववर्ष प्राप्त होचे एवं से ओडियार आराध्य देवता विश्व देवता हेले ओडियार प्राण प्रभु जगन्नाथ को टिके तांकर चरणाश्रित चरणामृत पान करने श्रीक्षेत्र को अनेक भक्त जगन्नाथ प्रेमी धाई आसी आज से पणा संक्रांति महाविष्व पणा संक्रांति कहतु ओडिया नववर्ष कहतु आज समस्त धाई आसी श्रीक्षेत्र माटी को आनंद उल्लास परिवेश देखुं परस्पर मध्य आज एक अद्भुत भाव सृष्टि हुए जो अद्भुत भाव हूँ बंधुत्व भाव आज एभली एक दिवस जो प्रपानक पणा कथा कहते कहते प्रपानक द्वारा पणा बंटन द्वारा शत्रुनाश जाई था बहुत दिन शत्रुता भाव करुवा जड़े व्यक्ति जदि आज जिते बड़े पणा टिके पाई जाई थाए सी तार सब शत्रुता भाव को भूली जाई थाए मित्रतार भाव सृष्टि हुए गोटे ओली गोटे ग्लास पणारे तेणु से शत्रुनाश करिवार दिवस आज कहार आम शत्रु हेबा ना कारण भगवान कहार शत्रु नुहति भगवान कहार शत्रु नियंति से कहार भी शत्रु है ना समस्त की समभाव प्रदान करी प्रातपर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ तांकरी श्रीमंदिर सिंहद्वार सुसज्जित सिंहद्वार आज सिंहद्वार को प्रमुख द्वार को पुष्पमाल सजाई दिया जाए आज हूँ प्रभु प्रभुंकर श्रीक्षेत्र जो महा आडंबर पालन करा जीवो स्वतंत्र नीति महाप्रभुंकर रही आज हनुमान विजय करिवे जगन्नाथ बल्लभ को तेणु हनुमान जयंती महाविष्णु संक्रांति महावीर हनुमान जन्मतिथि
हनुमान जत्ते बेले मरुत्वगण ओ वर्षार देवता से होचंती अतुल बलशाली संकट मोचन तांकोटु बलशाली केई नाहंती तेणु शक्तिशाली हेबा पाई आजर जगाघर आखड़ा मानकरे कसरत कुस्ती कसरत व्यायाम नानादि प्रकार होता है। आज सुंदर भाव में प्रत्येक जगाघर आखड़ा मानक जो फुलुका रही माटीर फुलुका जोटी कसरत कुस्ती करा जाए मल्ल योद्धा माने करती से दर्शन जगा अखड़ार परिवेश किभली भाव परंपरा को उज्जीवित कर रखा जा श्रीक्षेत्र मध्य जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम आउ किसी समय पर आपण दर्शन प्राप्त हेबे। आज दिवस जहाँ किसी श्रीक्षेत्र जोटी जहाँ हो जाऊँ तार दर्शन आपण निश्चित प्राप्त हे प्रभु कृपार तेणु प्रथम उदय सूर्य को दर्शन करी नववर्ष उड़िया नववर्ष को प्रभु पाखरे शुभेच्छा जनईवापी आश्रित होगापी चरणाश्रित होगापी भाव सृष्टि करने प्रभु आज तांकर प्रमुख द्वार को सजेई जाहु हनुमान जयंती अतुल बलशाली तांकर बलर तुलना शक्ति की तुलना कई करिपारिबे नाही संकट समस्त संकट को मोचन कर दिये। हनुमान नाम उच्चारण मात्र के मनुष्य समस्त दुख शोक भय संकटर विनाश करते केवल गोटे नाम हनुमान नाम प्रत्येक शुभाशुभ कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म हनुमान चालीसा पाठ स्वतंत्र भाव में आम देखि था। आज जो हनुमान मंदिर में आवाल वृद्ध बनीता जी आज हनुमान चालीसा काली शुणी थाए तार समस्त रोग हरण कर दिखती हनुमान हनुमान चालीसा पठन कले तो तत्वधिक पुण्यता मिलता है मनर समस्त शोक नष्ट हो जाए दुख नष्ट मन भितर भय भय को दूर कर दिखती विनाश कर दिखती हनुमान चालीसार आज जी पठन करें हनुमान चालीसा श्रवण करते हनुमान दर्शन करते हनुमान उपासना करते हनुमान सिंदूर मथार धारण करते तो हनुमान स्वतंत्र भाव उपासना आज दिन हनुमान जयंती जो हनुमान नाम को धरवे कहा जाए भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर नाम जिते बड़े शुणे भूत पिचास निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनाए ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुनाए मन क्रम वचन ध्यान जलाओ तेणु हनुमान साधना द्वारा अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त होता है। जो माने आज हनुमान को दर्शन करिवे हनुमान को उपासना करिवे कारण अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता नवनिधि प्राप्त होता अष्ट सिद्धि प्राप्त होता हनुमान को नहीं पौराणिक किंवदंती व्याख्या अनेक रही था। जो श्रीक्षेत्र को आसिले हनुमान को आम दर्शन करनेक नाम उपासित होती श्रीक्षेत्र अधिष्ठात्री हूँ माँ लक्ष्मी श्रीक्षेत्र आम लक्ष्मी क्षेत्र कहचे श्रीमंदिर बोली लक्ष्मी मंदिर कहचे कई के जगन्नाथ मंदिर कहवा पूर्व श्रीमंदिर कही था से श्रीमंदिर द्वारस्थ हो गले लक्ष्मी कृपा मिल जाए श्रीक्षेत्र प्रवेश हो गले लक्ष्मी कृपा मिल जाए तेणु ए क्षेत्र को जी आसे केवल जगन्नाथ कृपा तो पाइब ता सहित लक्ष्मी कृपा मध्य प्राप्ति होता है। श्रीक्षेत्र जोटी नारायण नारायणी उभय अच्छा चारि द्वार अच्छी केवल पूर्व द्वार ही माँ लक्ष्मी तोरण लक्ष्मी विराजिता अच्छा चारि द्वार गुमुट रही बाहर गुमुट चारि द्वार रही पूर्व द्वार उत्तर द्वार दक्षिण द्वार पश्चिम द्वार चारि द्वार चारि गुमुट बाहर गुमुट रही थाए कि पूर्व द्वार ही केवल विराजिता अच्छा लक्ष्मी तोरण लक्ष्मी गुमुट लक्ष्मी बोले आम कहे कारण श्रीक्षेत्र कहले आम लक्ष्मी नारायण को कहू जो लक्ष्मी नारायण उपस्थित हो जाती सेठी श्रीक्षेत्र हो जाए जी क्षेत्र को आसी थाए श्रीक्षेत्र पूर्णांग श्रीक्षेत्र पुण्यता संपूर्ण दर्शन पूर्व द्वार रु पाई थाए तेणु पूर्व द्वार गहल लगी थाए प्रमुख द्वार पूर्व द्वार ही महाप्रभु प्रत्येक जानी जात्रा सीए आसी था
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାନିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର କହୁଛେ ଅନେକ ସିଂହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ସିଂହଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଗୁମୁଟ ଉପରେ ତିନି ଜଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିରାଟ ସିଂହଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଂହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ଦ୍ୱାରର ନାମ ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଗଲା। ପୂର୍ବପଟେ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର କୁହାଗଲା, ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର କୁହାଗଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଧର୍ମ ଭାବନା, ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର, ଏ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ବାଟେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏହି ଦ୍ୱାର ବାଟେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟର ଦେବତା ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଦେବତା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ପୂର୍ବଦ୍ୱାରେ ବି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଫତେ ହନୁମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବାରବାହି ହନୁମାନ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କାନପତା ହନୁମାନ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ, ଚାରିଚକ୍ର ହନୁମାନ, ଅନେକ ନାମ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଧାରିତ ହୁଏ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚରୁଅନ୍ନରୁ ବା ଚରୁଅନ୍ନକୁ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଗୁତ୍ର ପକ୍ଷୀ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିଛି ଚରୁଅନ୍ନ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତପସ୍ୟାରତ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଅଞ୍ଜୁଳିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଞ୍ଜନା ତାହା ତପସ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଜନା ସୂତ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ରୂପେ ବିବେଚିତ ବା ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଜୀବନ୍ତ ବିବରଣୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହୁଏ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏବେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସେ କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ଅତୀତ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ, ସିଏ ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ, ଅତୁଳିତ ବଳଶାଳୀ, କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅମର ଅଜର, ଅଜର ଅମର ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାଲାଭ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ତପସ୍ୟା ବା ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ହନୁମାନ ସାଧକ ବା ହନୁମାନ ସାଧନା କଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ମିଳିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ମିଳିଯିବ। ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ହନୁମାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ, କେତେକଙ୍କ ମତରେ ତୁଳସୀଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଚାରିତ, ମହାବିଷ୍ଣବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିର ଦିବସରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ, ଏ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଆସିଯାଇଥାଏ। ମହାବିଷ୍ଣବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି
प्रायत देखिए झामुजात्रा गोटे माँ शक्ति उपासना झामुजात्रा रही था मंगलांकर उपासना शक्ति उपासना आज केतक पीठ मानक देखिए हिंगुला कहतु मंगला कहतु कारण हिंगुला होती किए ना ये जो दर्शन करनुमान कथा कहते दक्षिण द्वार बड़े हनुमान जो कह जाए दक्षिण द्वार हनुमान कह जाए स्वतंत्र भाव जड़े हनुमान साधक भक्त जितेबाला आसी श्रीक्षेत्र रही मूर्तिर जो दर्शन आपण कर हनुमान विग्रह को दर्शन कर हनुमान साधक यार पूजा अर्चना करुते संत तुलसीदास प्रतिमूर्ति आप देखुं जहाँ को आम कहले संत तुलसीदास हनुमान अवतार सका सका भक्त आसी हनुमान चालीसा पठन करुं हनुमान सम्मुखें चरणाश्रित पदारविंदा आश्रित भाव नहीं हनुमान चालीसा करती आज से हनुमान को दर्शन करदे समस्त रोग मुक्ति पाई आप जो रोग भल हो विभिन्न प्रकार औषध दीर्घ वर्ष धरी औषध पान कले तद्वारा कौन सी फलप्रद आप अनुभव कर पार ना आज दिन टीए जिते कष्ट हो पचे जो मैंने शज्ञाशाई आसी पार ना पक्षे कष्टर से शज्ञा थाई हनुमान को स्मरण कर दिंतु शज्ञा थाई हनुमान नाम को उच्चारण करतु हनुमान चालीसा पठन करतु देखिए दुरारोग्य से उद्धार कर दिखती कारण कहगला नाशे रोग हरे सब पीड़ा समस्त रोग जनित पीड़ा कष्ट रोग व्याधि सबूत नाश कर दिखते हनुमान जो मानक घर असुस्थ लोकटे रही रोगग्रस्त लोक व्यक्ति अच्छा से मानक आज टिके हनुमान सिंदूर तर मथार लगे दिं हनुमान मंदिर रु कि पादुक नहीं पीवाक दे था पाइबा दिंतु हनुमान भोग किसी प्रसाद स्वरूप पाइबा दिंतु देखिए निश्चित भाव में से रोग आज दिवस कारण जो कहुए प्रत्येक तिथि प्रत्येक पक्ष प्रत्येक दिवस किसी ना कि महत्व महनीयता महात्म्य रही था सबुले तो कृपा भगवान रही था प्रत्येक देवदेवी रही था कि प्रति दिवस महात्म्य किसी रही था तेणु आज जो दिवस महाविषुव पणा संक्रांति ए संक्रांतिर ए दिवस महनीयता प्रति संक्रांति आम शिवंकर उपासना करी था दीप प्रदीप प्रज्वलन करी समस्त रोग को पड़ी दौंते भक्त मान आज हनुमान मंदिर रे गोटे दीप आज जाथे बर्षर पुण्यता आपण प्राप्त हे बर्षक मध्य आपण कौन प्रकार अंधार मार्ग आपण को देखा गोटे दीप आज जाथे घरे जानतु आपण कहे कौन हनुमान मंदिर को जीवा आवश्यकता रही था हनुमान मंदिर को जीवा आवश्यकता रही था निज घरे हनुमान उपासना करतु फटोटे पूजा करतु दीपटे घरे ठाकुर घरे हनुमान नाम आपण जो हनुमान आप गाँव पाखे जो मंदिर अच्छी किंवा कौन सी मंदिर ना जी घरे हनुमान चित्र प्रतिमा को स्वतंत्र भाव में नूतन वस्त्र कुंच परिधान पूर्वक पाखे टिके घर ठाकुर पणा भोग करतु कारण आज से दिवस आज दिवस कल की नज गोटे दिवस को निष्ठार सहित व्रती जो मैंने व्रत करेंगे पालन करेंगे से निश्चित भाव में गोटे वर्ष अतिक्रम करेंगे निरोगी भाव में कौन से रोग स्पर्श कर ना रोग भी जदि शरीर मध्य अच्छी आज ठारू रोग नाश जीव विश्वास मूलटी अटई विश्वास कहे जगन्नाथ दास विश्वास नथिले परमब्रह्म परात्पर परमेश्वर प्रभु को भगवान कर दर्शन हम ना से विश्वास मूल में आज हनुमान को उपासना करेंगे जो हनुमान उपासना द्वारा निश्चित भाव आप जिते बड़ रोग था आरोग्य लाभ करेंगे ये विश्वास सहित भगवान हनुमान राम भक्त हनुमान को भजन करते जगन्नाथ सिंह द्वार नाम कीर्तन नित्य चली थाए सका गले गोटे दिवस आलोक आसीगले समस्त मन आलोकित हो जाए समस्त अंधार भितर बाहरी पड़ती रात्र समस्त अंधार भितर थे शयन जाइए रात्र है अंधकार विश्राम कर
शयन करिवार समय जेतेबेले सूर्य आसी जानती अंधकार नाश हुए समस्त चलचंचल हो जाती कि प्रभुंक प्रति चंचलता आसे कि कर्म प्रति चंचलता आसे कि निज प्रति चंचलता आसे कि धर्म प्रति चंचलता आसे किए विश्वास करी से कर्म लगि जाए नानादि प्रकार चंचलता स्थिरता आकार समस्ते आउ शयन मुद्रा वर्तमान निद्रा विश्राम भाव न थाए कार कार भक्ति भाव कि कर्म किसी कर कि परिवार पाई करिव कि संसार पाई करिव कि निज पाई करिव तत्परता कर्म चिंता पलि आसे जेतेबेले दिन हो जाए कर्म को जीवा पूर्वर एभली भी व्यक्तित्व अछंती कर्म द्वार को जीवा पूर्वर प्रथमे धर्म द्वार रो टिके आश्रय टिके दर्शन करि दियंती कर्म तो करिवे कर्म करिबा को हबो बिना कर्म रे आमे फलप्रद नुह बिना चेष्टार आम सफलता ना जो माने भावंती बसीगले सफलता मिल से केवे सफलता जीवन में पाइबे ना आज दिन में संकल्प करे मुझे कर्म करी कर्म द्वारा ही भगवान को पाइबे जो माने कर्म करी सत्कर्म करी से प्रति भगवान कृपा रही था सफलता जीवन में सी प्राप्त होता तेणु आज दिवस टीए एक आनंदर दिवस से आनंद दिवस ही आम निश्चित भाव सत्यर देवता दर्शन करुचे कारण बाणी सत्य कह व्यवहार सत्य कर सत्यर आचरण कर यहाद्वारा कल्याण होद्वारा कल्याण हो सत्य पालन महिमा कारण महाराज युधिष्ठिर रथ सी सत्य पालन करुले सत्य पालन महिमा कारण ताकू कहुए युधिष्ठिर कहुए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर बोली आम युधिष्ठिर को कहीचे सी जेतेबेले रथ नहीं जाती रथ भूमि ठारू चारि आंगुली ऊपर को उठी चलुला युधिष्ठिर रथ भूमि ठारू चारि आंगुली उठिकी चलो जोटा असंभव केवल सत्य पालन बा सत्य को कहिबा धर्म पालन करिबा ये हूँ महत्व तेणु सदा बेले आज दिवस जो दिवस को आसी भगवान आश्रित होते बड़े आश्रित होजे धर्म करने को इच्छा हाब धर्म जो धर्म द्वार रे ठिया होती प्रभु ये धर्म द्वार आम कह धर्म करवा समस्त धर्म को पालन करवा धर्म करवा समस्ते कौन धर्म कौन केमी धर्म मिल क्षमा ही धर्म अटे चिंता करें मु सदा बेले क्षमा करी कारण धर्मर देवता किए धर्मर देवता प्रभु पाखे क्षमा रही क्षमार सगर हरी सी तेणु क्षमा ही धर्म अटे क्षमा ही यज्ञ अटे क्षमा ही वेद अटे क्षमा ही शास्त्र अटे क्षमा ही ब्रह्म तेणु क्षमा जत देखिए शास्त्र में कह जा प्रकार क्षमार रूप को जाणीवा लोक समस्त को क्षमा करे जे जाणिला क्षमा हूँ धर्म क्षमा हूँ यज्ञ क्षमा हूँ वेद क्षमा हूँ शास्त्र क्षमा हूँ ब्रह्म क्षमा ही भूत भविष्य तप शौच सत्य सबकि चराचर जगत को क्षमा धारण कर रखी तेजस्वी मानकर तेज तपस्वी मानकर ब्रह्म सत्यवादी सत्य जागी यज्ञ तथा मन को वशीभूत कर लोकंर शांति क्षमा अटे क्षमार आधार रे सत्य ब्रह्म यज्ञ पवित्र लोक तिष्ठि रही जो व्यक्ति क्षमा करी जो व्यक्ति क्रोध करे, जो व्यक्ति क्रोध करे ना जे क्रोध करे तार तो क्रोधी कौन अनिष्ट हुए से कथा कह आवश्यकता ना क्रोध ही जानी थाए क्रोधी व्यक्ति कौन सी सफलता जीवन में ना विफलता कौन सी प्राप्ति ना सब अनिष्ट होता तेणु जो व्यक्ति क्रोध करे ना अथवा क्रोध आसिले से निजे विवेक द्वारा ताकू शांत कर दिए
ताकु ही तेजस्वी कहते कि क्रोधी को तेजस्वी कहा जाए ना क्रोधी को तेजस्वी कहा जाए ना मन भितर क्रोध को दूर करिबा कथा मन भितर क्रोध दूर ही गले निश्चित भाव में आप देखिए सबकि समाधान पाई सकाळ हला संध्या आसुची तेणु सकाळ और संध्या उभय समय रे जदि नियमित रूपे निज निज अधिकार अनुसार ईश्वर को उपासना निश्चित भाव करिबा ताले ईश्वर विश्वास हो जा ईश्वर को आश्रित हो जा आमको करिबा को पड़ी थाए प्रत्येक मनुष्य को अधिकार अनुसार शोधाय करिबा उचित गीता रामायण महाभारत वेद उपनिषद ये शोधाय करिबा सबुठ उत्तम गीता पढ़िबे रामायण पढ़िबे महापुरुषों वचन समस्त अधिकार अच्छे गीता रामायण महापुरुषों वचन समस्त अधिकार अच्छे सेगुड़िक समस्त लाभप्रद एणु प्रतिदिन नियमित आनंदपूर्वक प्रेमपूर्वक सेगुड़िक शोधाय करिबा उचित सकाळ संजे जो नित्यकर्म करुछ ताही आम जीवन एक मुख्य लाभर कथा तेणु आम नित्यकर्म भली जेमती नित्यकर्म करने को कई क्या कहे ना समस्ते उदय सूर्य दर्शन पूर्व सज्जात्याग पूर्व समस्त समस्त कहवाक पड़ न था नित्यकर्म सेमती भगवान क्षेत्र में भगवान किसी देवतांकर कार्य आध्यात्मिक भावना धार्मिक चेतना आने कहार आवश्यकता न था कह निजे स्वत जो मैंने कर दिखते से भगवत प्राप्ति हो जाते भगवान शरणापन्न हो जाए तेणु शरणापन्न मनोभाव तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान होती समस्त आराध्य देवता तांकर कृपा तांकर आश्रित ये मनोभाव जितेबले आसी थाए से भगवान निकटतर आम हो तेणु चिंता करिबे जितेबले प्रातः काल रे शज्जारु उठिबा क्षणी सर्वप्रथमे भगवान नाम स्मरण करिबा उचित प्रातः काल रे उठुचंती ब्राह्म मुहूर्त रे उठुचंती से माने प्रथमे सर्वप्रथमे भगवान नाम स्मरण करिबा उचित यथा समय रे सूर्योदय हो सूर्यास्त पूर्वरु संध्या एवं गायत्री मंत्र को माने करंती से फलप्रद होती गीतार गोटे अध्याय अर्थ सहित पाठ तथा निजे पढ़ी था सी भी फलप्रदर आसी थाए तेणु विभिन्न प्रकार जो आचरण निजपाई और सारा संसार पर हितकर अर्थात मन वाणी शरीर द्वारा जो सब उत्तम क्रिया करा जाए ताही सदाचार सदाचारी जो कहा जाए सदाचार आचार व्यवहार अंतकरण में जो सब पवित्र भाव थाए सेगुड़िकर नाम होची सद्गुण सदाचारी सदाचार सद्गुण ये सब ही प्राप्त आम ए द्वार देवतांक पाखरु प्रभुंक पाखरु प्रभुंक पाखरे आम सबकिछि पाइथाउ केतेबेले सत्यपूर्वक शुद्ध व्यवहार रे द्रव्यर और तहिरु उपार्जित अन्नरे आहार तथा यथाजोग्य व्यवहार द्वारा आचरण समूहर जल मृत्तिका आदि द्वारा शरीर शुद्धि को बाहर शुद्धि कहती राग द्वेष कपट विकार गुड़िकर विनाश हो अंतकरण स्वच्छ हो भीतर शुद्धि कहते तेणु शुद्धता आसवापी पवित्रता आसवापी आनिबापाई इच्छा दरकार से इच्छा शक्ति सर्वशक्ति हेउचंती किए प्रभु जगन्नाथ भगवान केवल आमर तांकर सकाळु टिके प्रातः समयरु जेमती भजन कीर्तन समस्त करुचंती जेमती समस्त समर्पण हे जाउचंती समर्पित हे जाउचंती पतित पावन देवंक पाखरे प्रथमे समर्पित मनोभाव आसु तापरे स्वतः से आपे आपे भजन कीर्तन आसीजीव समर्पित भाव आसिले ही भजन कीर्तन भाव आपे आपे आसीजीव तेणु से भाव को जीवा पूर्वरु
ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆଚାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମୟର ଆନ୍ତରିକ ନିବୃତ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ବଶ ନ କରି ତାକୁ ନିରୋଧ କରିବା କଠିନ। ବିନା ପବିତ୍ରତାରେ ମନକୁ ବଶ କରିବା କଠିନ। ଆଳତି ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର। ଯେଉଁ ଆଳତିର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭିତରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଦର୍ଶନ କରିବାର, ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସବୁକିଛି ଆଜିର ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ମନର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ। କାରଣ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦିବସ, ରବିବାର, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମବାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ସେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଜିର ରହିଛି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଭଜନ ଟିକିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନାମକୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବା ନାମକୀର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ କୃପା ରହିଛି, ସେ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।